क्या हो जब आप एक न्यू सिटी में शिफ्ट होते हो और चलते समय एक मिस्ट्री रूम की खोज करते हैं जो आपकी विशेष जिंदगी भर पूरी करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूवीज वेंटर। आज हम लौट आए हैं आपके लिए एक नई कहानी द रूम, जो कि 2019 में रिलीज हुई है और अपने हॉरर, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन और सस्पेंस के लिए जानी जाती है। होप यू लव द स्टोरी लाइन, सो वस्ट लाइन एंड एंजॉय। मूवी शुरू होने पर हम एक यंग मैरिड कपल मैट और केट को देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क के एक बड़े मकान में शिफ्ट हो रहे होते हैं। मैट और केट शुरुआत से ही हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कपल रहे हैं। वो जिस घर में शिफ्ट हुए हैं उस घर में रिनोवेशन और रिपेयर की जरूरत है, और देरी ना करते हुए वे अपने नए घर को परफेक्ट बनाने के लिए काम शुरू कर देते हैं। किचन ठीक करते वक्त केट को कैबिनेट में बर्ड की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे वो उठाकर घर के बाहर दफनाने के लिए लेके आती है। तभी मैट आवाज देता है और केट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और फिर जब वो वापस उस डेड बर्ड की ओर मुड़ती है तो वो देखती है वो वहाँ से गायब है। अगले सीन में मैट घर के बेकार सामानों को बाहर फेंकते हुए नजर आता है। तभी उसकी नजर एक पुराने दीवार पे पड़ती है। वो उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और दीवार का वॉलपेपर फाड़ देता है। वॉलपेपर हटाने पर उसे एक लॉक दरवाजा दिखाई देता है जिसके की होल ऑर्डिनरी नहीं है। उत्सुकता से भरा मैट उस लॉक डोर को खोलने के लिए सारे पुराने सामानों में उस दरवाजे की चाबी ढूंढता है, और कुछ ही देर बाद उसे बंद कमरे की चाबी मिल जाती है। चाबी मिलते ही मैट तुरंत केट को बुलाता है और बंद कमरे का दरवाजा दोनों एक साथ ही खोलते हैं। तभी जो अचानक से लाइट्स जो रहती है घर की ब्लिंक करने लगती है एंड सारी लाइट्स चली जाती है। ये देखकर मैट पावर हाउस कंपनी में फोन करके कंप्लेन करता है और किसी को ठीक करने के लिए बुलाता है। अगले दिन ही उस रूम के लाइट इश्यूज को फिक्स करने के लिए ऑपरेटर आता है। वो उसे बेसमेंट में लेके जाते हैं, मगर रूम में घुसते ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस रूम के वायर्स बेहद पुराने हैं और अजीब तरीके से उलझे हुए हैं। उसी रूम के नीचे बीचों बीच एक सर्कल रहता है, वो एक वेल है जिसमें तीन लाइटें जल रही थी। ताज्जुब की बात यह है कि घर की पूरी लाइट से चली गई थी, लेकिन स्टिल ये लाइट अब भी जल रही है। मैट उस ऑपरेटर से पूछता है क्या वो ये फिक्स कर पाएगा। ऑपरेटर बस इतना कहता है कि उसने कभी भी इतना पुराना और उलझा हुआ वायर नहीं देखा और इसलिए वो इसे ठीक नहीं कर सकता। जाते समय मैट और ऑपरेटर में कुछ बात चल रही होती है। वो मैट को बताता है उनके पहले भी इस घर में एक कपल रहते थे, उन दोनों का इसी घर में मर्डर हो गया था। ये शॉकिंग न्यूज सुनते ही मैट अपने कमरे में आता है और लैपटॉप पे इस इंसिडेंट के बारे में सर्च करने लगता है। रिसर्च करते वक्त मैट को एक पुराने आर्टिकल से पता चलता है कि इस घर के पुराने ओनर्स का नाम पॉल और मैडलिन सैफर्स होता है। सैफर्स के मर्डर का आरोप जॉन डो नाम के एक शख्स पर होता है। मैट पेशे से आर्टिस्ट है और वो सैफर्स मर्डर मिस्ट्री और जॉन डो के बारे में पढ़कर जॉन डो का स्केच बनाने लगता है। स्केच बनाने के बाद मैट उसी रूम में आराम करने लगता है और एक बॉटल खत्म होने पे वो दूसरी बॉटल का विस करता है। उसी वक्त उस रूम की लाइट फिर से ब्लिंक करने लगती है और मैट के सामने एक नई लिक्विड की बॉटल हाजिर रहती है। मैट उस बॉटल को उठाता है, वो देखता है ये रियल बॉटल है। ये देख के मैट सरप्राइज्ड हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये रूम कोई ऑर्डिनरी रूम नहीं है, बल्कि एक मैजिकल रूम है जहाँ कोई जो भी विश मांगता है उसे वो मिल जाता है। केट उस वक्त अपने कमरे में सो रही होती है, मगर लिविंग रूम से लाइट ब्लिंक्स की आवाज सुनकर वो उठ जाती है। उस कमरे में आने के बाद वो मैट को देखती है जो कि बेहद खुश नजर आता है, और उसके अगल बगल काफी सारे नए सामान पड़े होते हैं जो बेशक मैट ने उस कमरे से मांग की। मैट केट को रूम में देख उसे वैन गॉग की पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि ये रूम मैजिकल है और यहाँ जो मांगो वो मिलता है। मैट की बात सुनकर केट को लगता है वो मजाक कर रहा है और इसलिए वो हंसने लगती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है मैट कोई मजाक नहीं बल्कि सच कह रहा है, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो रूम से $1000 मांगती है। मैट ड्रॉवर को साइड करता है और उसे पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिलने पे केट शॉक्ड हो जाती है, वह मिलियंस डॉलर्स और विश करती है। ऐसा करते करते रातों रात मैट और केट मिलियनर बन जाते हैं। हालांकि केट इस रूम से डर भी जाती है और रूम से बाहर निकल आती है। मैट उसे समझाता है इसमें डरने की कोई बात नहीं, इनफैक्ट उन्हें मजे करने चाहिए। मैट और केट इस रूम से सैंपन, मनी, क्लोथ्स, आर्ट सब कुछ मांगते हैं जो इनकी जरूरत है। रात में सोते वक्त केट मैट से पूछती है ये रूम उनकी विशेष कैसे पूरी कर रहा है। मैट उसे चिंता नहीं करने को कहता है और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। आगे आने वाले दिनों में दोनों अपनी जिंदगी को बिल्कुल मजे और खुशी ऐसो आराम में स्पेंड करते हैं। उनकी जो भी विश होती है वो उस रूम से मांगते हैं और रूम एंड पावर हाउस की लाइट ब्लिंक होती है और उन्हें वो मिल जाता है। वे दोनों अपनी ओवरनाइट सक्सेस को ड्रिंक्स एंड गिफ्ट्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इतने ऐसो आराम के बावजूद केट सुबह जब उठती है उसे बेहद अकेला महसूस होता है। ये पैसा, ड्रिंक्स उसके मन के खालीपन को दूर नहीं कर सकता।
मैट केट को उदास देखकर समझ जाता है और फिर वो अपने घर एक बेबी कॉट ले आता है। मैट केट से एक बच्चे के लिए ट्राई करने को कहता है। ये सुनकर केट अपसेट होकर घर से बाहर निकल जाती है क्योंकि इससे पहले उसके दो मिस कैरेजेस हो चुके थे। बाद में केट घर वापस आ जाती है, देन वो उस मिस्टीरियस रूम से बेबी मांगती है। मैट को जब ये बात पता चलता है तो वो काफी गुस्सा होता है क्योंकि केट ने उसे पूछे बिना ये डिसीजन लिया। केट उसे समझाती है इससे वो खुश रहेंगे। उसने ऐसा मिसकैरेज और चाइल्ड बर्थ पेन को अवॉइड करने के लिए ये शॉर्टकट अपनाया, मगर फिर भी मैट इस बात के अगेंस्ट है। मैट उसी वक्त केट को उस बच्चे को रूम में ले जाने को कहता है ताकि वो उस बच्चे को डिसअपीयर करने की मांग कर सके। बच्चे के साथ दोनों रूम में जाते हैं मगर केट इमोशनल होकर बेबी वापस करने के लिए मना कर देती है। वो उस बच्चे को मैट के हाथों पे रख देती है मगर सहमा हुआ मैट भी उस बच्चे को डिसअपीयर नहीं करता और बेबी को केट के पास छोड़कर रूम से निकल आता है। इस तरह इन में उन दोनों ने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया और वो अब इनके पेरेंट्स हैं। नेक्स्ट सीन में मैट अपने डेस्क पर बैठे जॉन डो की स्केच को कंप्लीट करता है और डिकेड्स पहले इस घर में जो कुछ भी हुआ उस पर रिसर्च करता है, जिससे उसे पता चला कि जॉन अब भी साइकेटिक हॉस्पिटल में जिंदा है। एक दूसरे सेकेंड आर्टिकल में मैट को पता चलता है जॉन ने सैफस का मर्डर उसी मिस्टीरियस रूम के वजह से किया। मैट तुरंत जॉन से मिलने के लिए साइकेटिक हॉस्पिटल पहुंच जाता है और नर्स से जॉन का रूम नंबर पूछता है। नर्स उसे बताती है जो कि पिछले 45 साल से जॉन से मिलने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स के अलावा और कोई नहीं आया। मैट फाइनली जॉन से फेस टू फेस मिलता है और उसे सीधे उस घर स्पेशली उस कमरे के बारे में पूछने लगता है। जॉन उसे देख कर मुस्कुराता है और कहता है वो इसी समय का इंतजार कर रहा था। मैट उसे पूछता है कि उसने मर्डर क्यों किया। इस बात पे जॉन सिर्फ इतना कहता है कि ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इतना कहने के बाद जॉन मैट को घर जल्द से जल्द छोड़ के चले जाने को कहता है इससे पहले कि देर हो जाए। जॉन मैट को एक लाइन भी कहता है, एक आदमी जिसके पास सब कुछ है वो उन लोगों से ज्यादा डेंजरस है जिनके पास कुछ भी नहीं। जॉन से बात करने के बाद मैट जब साइकेटिक हॉस्पिटल से निकलकर गैस स्टेशन पे आता है तो वो देखता है कि उसके वॉलेट में जितने भी पैसे थे वो ऐश बन चुके हैं। वो तुरंत अपने घर आता है और उस मिस्टीरियस रूम में जाकर खिड़की से कुछ पैसे और फेंकता है और वो पैसे भी ऐश बन जाते हैं। वो इसे कंफर्म करने के लिए वैन गॉग की पेंटिंग लेकर नीचे आता है और उसे दरवाजे के बाहर रख देता है। शॉकिंगली वो पेंटिंग भी ऐश बन जाती है। ये सब करने के बाद मैट समझ जाता है कि अगर इस घर से कोई भी चीज घर के बाहर आती है तो वो ऐश में बदल जाएगी। गुस्से में मैट उस रूम के दीवारों को तोड़ता है लेकिन उलझे हुए वायर्स के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद मैट दीवार के वॉलपेपर को फाड़ता है, उसे घर का मैप मिलता है और उसमें वायर्स का भी गाइड है। इसी दौरान केट अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर निकलती है। मैट उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो केट को उस वक्त असली वजह नहीं बताता। घर से बाहर आने के बाद उस बच्चे की काफी जोर से रोने की आवाज आती है, मानो उसे काफी दर्द हो रहा हो। मैट उसे देखता है मगर कुछ देर वो उसे बचाने नहीं आता, लेकिन उसके बाद वो तुरंत उस बच्चे को अंदर लेके आता है और हमें देखने को मिलता है वो बच्चा अचानक से कुछ ही सेकेंड्स में अब एक यंग बॉय की तरह बड़ा हो गया है। अंदर आने के बाद मैट और केट को अपने बच्चे को अचानक से बड़ा होते देख विश्वास नहीं कर पाते। दिन खत्म होने पर मैट केट को बताता है ये मिस्टीरियस रूम उन्हें सब कुछ दे सकती है, मगर एक कंडीशन ये है कि घर का कोई भी सामान घर से बाहर नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता है तो वो पुराना या बूढ़ा हो जाएगा। मैट की बात सुनकर केट उसके अगेंस्ट हो जाती है क्योंकि उसका बच्चा बाकी लोगों की तरह ह्यूमन बींग है और लाइफ टाइम उसे घर के चार दीवारों में रखना इम्पॉसिबल है। वो बच्चा केट का नहीं है, फिर भी वो उसे बहुत प्यार करती है और उसका नाम सेन रखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केट सेन को घर पे पढ़ा रही होती है और उसे बताती है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि घर के बाहर बहुत जर्म्स हैं। सेन इस बात पे काफी इम्पेशेंट हो जाता है और पेंसिल फेंक कर अपना गुस्सा जाहिर करता है। सेन ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, उसे नहीं पता कि बाहर कैसा लगता है, उसे सिर्फ घर के चार दीवारों के अंदर रहना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में केट एक पैकेज रिसीव करने के लिए घर से बाहर निकलती है। बाहर निकलने से पहले वो हमेशा डोर्स लॉक कर देती है ताकि सेन बाहर ना आ सके। यहाँ पे केट पैकेज लेने के बाद उसे मैट को दे देती है क्योंकि ये उसने ऑर्डर किया था। बॉक्स मिलने पे मैट उसे खोलता है और उसमें गन होती है जो कि उसने शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए खरीदा है। अनफॉर्चुनेटली उस दिन केट डोर लॉक करना भूल जाती है। जब वो पियानो बजाने में बिजी होती है, सेन धीरे से उस कमरे की ओर बढ़ता है। दरवाजे से वो अपना हाथ बाहर निकालता है और ठंडी हवा को महसूस करके वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। पियानो पे बैठे केट का ध्यान अचानक सेन पे जाता है और वो उसे बाहर की ओर जाते हुए देख लेती है। वो तुरंत अपना पियानो छोड़कर उसकी ओर भागती है, उसे रोकती है और सेन को सेफ देखकर जोर से हक कर लेती है। इस हादसे के बाद मैट और केट दोनों मिलकर घर के दरवाजे के बाहर प्लैंक्स लगा देते हैं
ताकि सेन दोबारा बाहर ना निकल पाए। केट उस रात सेन से पूछती है क्या वो उसके साथ सोएगा। सेन इस बात पे कहता है वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है। सेन की बात सुन केट इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। हालांकि केट की बातें सेन को इजी फील नहीं होने देती और वो अब भी वरीड दिखाई देता है। अगले कुछ दिनों तक मैट अपने न्यू गन से शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आता है और घर आने पर सेन को अपने आर्ट गैलरी में स्नो ग्लोब को खोलते हुए देखता है। मैट स्ट्रिक्टली सेन को अपने रूम छोड़ के जाने को कहता है। तभी सेन के हाथों से वो स्नो ग्लोब गिर जाता है। मैट ने सेन को अभी तक एज अ सन एक्सेप्ट नहीं किया है और वो उसे बुरे तरीके से बात करता है। उस रात मैट और केट के सोने के बाद सेन घर में घूम रहा होता है। तभी उसे घर का मैप मिलता है और मैप एंड वॉयस को फॉलो करते करते बेसमेंट और फिर उस रूम में पहुंच जाता है। उसके वहां पहुंचने के बाद उस कमरे में पूरे रात लाइट ब्लिंक कर रही होती है, मगर मैट और केट को इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। जब मैट सो के उठता है तो अपने बगल में एक स्नो ग्लोब देखता है और थोड़ी दूर पर वो पुरानी टूटी स्नो ग्लोब भी देखता है। वो तुरंत केट को उठाता है। लाइट स्टिल ब्लिंक कर रहे हैं। उसे ऑलरेडी अंदाजा लग चुका है उस रूम में कौन है। वो दोनों रूम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेन ने उस मिस्टीरियस रूम को बिल्कुल बाहर जैसे दुनिया बना ली है। वो रूम जो पहले एक मात्र चार दीवार थी अब वो एक फॉरेस्ट है, जहां सेन स्नोमैन बनाते हुए नजर आता है। केट सेन के क्रिएशन से काफी खुश होती है और उसे उसकी खुशी में ज्वाइन कर लेती है, लेकिन मैट गुस्से में सेन का हाथ खींचे उसे वापस अंदर लेके आता है, जिसके बाद मैट और केट में लड़ाई भी होती है। इस बात में क्या सेन को उस रूम में जाना और खेलना सही है या नहीं। मैट नहीं चाहता कि सेन उस कमरे में जाए, मगर केट इस बात से अगेंस्ट है। जब वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं तभी फोन रिंग होता है और सेन कॉल पिक कर लेता है। हालांकि सेन को फोन पिक करना और किसी से बात करना मना है। मैट उसे फोन पे देखता है और वो तुरंत फोन उसे छीन लेता है। वो कॉल जॉन का होता है। फोन पे उसे पता चलता है कि मैट और केट ने उस रूम से एक बच्चा विस किया है। यहीं दूसरी ओर केट किचन से मैट और जॉन की बातें सुन रही थी। फोन पे जॉन मैट से कहता है कि सेन का घर से बाहर निकल पाना तभी पॉसिबल होगा अगर केट अपनी जान उसके लिए सैक्रिफाइस कर दे। अगर वो ऐसा करती है तो सेन बाकी लोगों की तरह बाहर नॉर्मली जा सकता है। शॉकिंगली हमें इसी सीन में ये भी पता चलता है जॉन भी उसी मिस्टीरियस रूम से मांगा गया एक बच्चा था। जॉन की माँ ने उसके पिता का मर्डर कर दिया था इससे पहले कि उसका पिता जॉन का मर्डर करता, और इसी मर्डर के बाद जॉन उस घर से बाहर निकल सका। फोन पे जॉन मैट को दो ऑप्शन देता है, या तो वो केट को मारकर सेन को बचा सकता है या फिर सेन को मारकर केट को। दोनों की बात सुनने के बाद केट कार लेके बाहर निकल जाती है। केट ड्राइव करते समय कार क्रैश करने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। मैट बहुत वरीड होता है। मैट और सेन जब घर पे अकेले होते हैं, गुस्से में मैट सेन के स्टूडियो को तहस नहस करता है, लेकिन बाद में वो सेन के लिए खाना बनाता है। उसके सामने टेबल पे बैठा सेन उसे बहुत सवाल करने लगता है और मैट अपना पेशेंस खो बैठता है। वो उसे बताता है कि सेन कोई असली बच्चा नहीं है, उसके कोई माता पिता भी नहीं है, और फिर मैट गुस्से में सेन को फ्रंट डोर की ओर खींचने लगता है, लेकिन सेन डर के तुरंत ऊपर भाग आता है। सेन को इतना कुछ गुस्से में सुनाने के बाद मैट थोड़ा शांत होता है। उसे सेन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी गलती रियलाइज होने पे मैट खुद सेन से माफी मांगता है। इस पे सेन मैट से कहानी सुनाने को कहता है और कहानी सुनते सुनते दोनों साथ में ही सो जाते हैं। उस वक्त केट भी घर आ जाती है। वो अपने इमोशंस को लेके कंफ्यूज रहती है, मगर मैट और सेन को एक साथ सोते देख उसे काफी सुकून मिलता है। उसी रात मैट और केट का रोमांटिक सीन भी चलता है और ये सीन देख लेता है। वो उन दोनों के सोने का इंतजार करता है और उनके सोने के बाद वो फ्रंट डोर की चाबी चुरा लेता है। अगले दिन फ्रंट डोर खुला देखने पे मैट और केट को पता लग जाता है सेन घर से बाहर निकला था। वहीं दूसरी ओर जब सेन को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रातों रात सेन दिमाग से तो बच्चा मगर शरीर से एक ग्रोन मैन बन चुका है। उसके हाथ में गन है और उसके पेरेंट्स गन पॉइंट पे हैं। केट सेन को शांत करने की कोशिश करती है, मगर मैट सेन पे अटैक करता है और दोनों में लड़ाई होती है। उन दोनों की लड़ाई में केट का माथा दीवार से टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसे होश आता है और उसके बगल में बैठा मैट उसे बोलता है कल रात गलती से गोली लगने के कारण सेन की मौत हो गई। सेन की मौत की खबर सुनते ही वो बहुत रोने लगती है। मैट उसे कोले में उठाता है और घर के अंदर ले जाता है, मगर केट अब भी उसके लिए बहुत रो रही थी। फिर हम देखते हैं कल रात जिस रूम में फाइट हुई उसी रूम में असली मैट को होश आता है और वो केट को ढूंढने लगता है। तभी रूम लाइट्स ब्लिंक होते देख वो समझ जाता है सेन ने मैट का रूप लिया है और अब वो केट के साथ ही है। केट मैट के रूप में सेन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, वो क्ल्यूलेस रहती है। मगर जैसे ही ड्रिंक करते समय वो मैट को आइस खाते देखती है, देन वो समझ जाती है ये मैट नहीं बल्कि सेन है, क्योंकि आइस खाना सेन की आदत है।
यहाँ दूसरी ओर मैट घर की दीवारों को तोड़ते हुए और सारे वायर्स को हटाते हुए फाइनली उस रूम तक पहुँचता है जो कि अब वो एक फॉरेस्ट है। उसे समझ आता है सेन ने उस मिस्टीरियस रूम को यूज करके आउटडोर एरिया बड़ा किया है और एक डुप्लीकेट घर बना दिया है। दूसरी ओर मैट के रूप में सेन ने केट को किडनैप करके रखा है और उसे फिजिकली सेंसुअल वे में एडवांटेज लेता है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए मैट फॉरेस्ट से भागता है और फाइनली उसे उसका डुप्लीकेट घर मिल जाता है। वो तुरंत दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसता है। उस समय सेन केट को फिजिकली एंड फोर्सफुली परेशान कर रहा होता है। मैट को देखते ही सेन फाइट के लिए रेडी होता है। इसी दौरान केट को भागने का मौका मिलता है मगर उसके सामने दो मैट होते हैं। वो समझ नहीं पाती असली मैट कौन है और शेन कौन है जिसने मैट के रूप को खुद में छुपा रखा है। तभी एक मैट उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है। केट उसे सेन बुलाती है और मैट का ध्यान भटक जाता है। ये देखते ही केट समझ जाती है कि वो मैट नहीं सेन है। केट उसे जोर से धक्का दे देती है और सेन स्टेयर से गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। मैट और केट अब भी उस घर से निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि सेन बार बार उस रूम में उन्हें ट्रैप रखने का विश मांगता है। रूम से निकलने की एंडलेस कोशिश के बाद उन्हें एक आइडिया मिलता है और वो दोनों फ्रंट डोर में सेन के सामने आ खड़ा होते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए सेन मैट की ओर नाइफ लेकर भागता है और मैट को मार देता है। मैट को मारने के बाद वो केट के करीब आने की कोशिश करता है मगर तभी उसे समझ आता है वो मैट और केट असली नहीं है बल्कि डुप्लीकेट है और यही उन दोनों का आइडिया था सो दैट वो सेन को बेवकूफ बना के यहाँ से भाग सके। मैट और केट घर के बाहर भाग आते हैं। बेवकूफ बनाए जाने पर सेन भड़क जाता है और वो मैट और केट का पीछा करने लगता है। सेन उन दोनों को फॉलो करते हुए असली घर तक आ जाता है। मैट उसे धक्का देते हुए दरवाजे के बाहर निकल आता है क्योंकि उसे पता है सेन ज्यादा देर तक दरवाजे के बाहर जिंदा नहीं रह सकता। केट भी तुरंत घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वो केट को दरवाजे पे मॉमी कहकर दरवाजा खोलने को कहता है मगर केट ऐसा नहीं करती। थोड़ी देर में बाहर खड़ा सेन बूढ़ा होने लगता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी डस्ट में बदल जाती है। केट उसे अपने आंखों के सामने बूढ़ा होते देख इमोशनल हो जाती है और उसकी बॉडी डस्ट में ट्रांसफॉर्म होता देख रोने लगती है क्योंकि वो उसे ऐसा सन एक्सेप्ट की थी और ऐसा मम्मी अपने लाइफ के कुछ बेहतरीन पल भी जिए थे। इन सब के एक महीने बाद सेन और मैट नए जगह शिफ्ट होकर पीसफुली रहने लगते हैं। एक दिन केट अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसे पता नहीं है वो बच्चा किसका है सेन का या फिर मैट का। केट परेशान हो जाती है क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो काफी गलत था। तभी केट के रूम में लाइट ब्लिंक होती है। केट ये देखकर सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि हो सकता है वो अब भी उसी मिस्टीरियस रूम में ही हो। इस कहानी में मैट और केट पैसो ऐसो आराम के अंधे हो जाते हैं। हालांकि दो मिसकैरेज के बाद भी इन्होंने बच्चे तक की मांग की। रूम ने इन्हें इतना कुछ दिया कि इनके विशेष कभी खत्म ही नहीं हुए और ये केयरलेस हो गए। अपने न्यू अपार्टमेंट की लाइट ब्लिंक होता देख उसे लगता है हो सकता है कि अभी भी वो उसी घर के मिस्टीरियस रूम में हो या फिर इस न्यू अपार्टमेंट की लाइट्स में कोई ग्लिचेस आई है। इससे भी ज्यादा कंफ्यूज वो इस बात से है कि उसके अंदर पल रहा बच्चे के फादर कौन है क्योंकि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो ग्रोन सन के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में आई थी। इनमें हमें समझ आता है कि मिस्ट्री सिर्फ रूम के अंदर नहीं बल्कि केट के अंदर भी है। उसके अंदर पल रहा बच्चा खुद में एक बड़ी मिस्ट्री है क्योंकि उसे और किसी को भी नहीं पता कि उसका फादर कौन है। और इसी तरह मिस्टीरियस वे में द रूम मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यार भरे लाइक से मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। टिल देन स्टे सेफ गुड बाय एंड टेक केयर।